मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है नवजात शिशु की सुरक्षा पर और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट है डॉक्टर संदीप जी दानखड़े। सर, जिस तरह से शुरुआत में आपने कहा था कि जो नवजात शिशु होता है वो बहुत नाजुक होता है और इस उम्र में, इस वय में मृत्यु संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि उसकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम होती है। अब प्रतिकारक शक्ति कम हो तो उसमें जो जंतु संक्रमण इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस, संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर प्रश्न होता है कि मृत्यु दर या बच्चों को बचाने के लिए इन संक्रमण से हम कैसे बचें? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मृत्यु दर होता है उसमें एक बहुत महत्व का कारण यानी जंतु संक्रमण यानी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को हमेशा साफ़ सुथरा रखा जाए। इसमें हम अक्सर देखते हैं जन्म होने के बाद में कई बार बच्चों की आँखों से स्त्राव आता है, बच्चों को आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन एक जगह न रहते हुए पूरे शरीर में फैल सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक यानी जब भी बच्चे का जन्म होता है तब उसकी दोनों आँखें स्टराइल कॉटन से, कपास से, अंदर की साइड से, नाक के बाजू से लेके तो बाहर की तरफ इस तरह से हमने साफ़ करना है। ऐसे बीच में से इसको साफ़ करना है। तो जन्म के बाद में आँखें साफ़ होनी चाहिए। किसी भी बच्चे को अगर आँखों में से पीप आता है तो उसमें डॉक्टर की सलाह से आँखों के ड्रॉप्स उसमें डाले जाने चाहिए। ये एक महत्व की बात है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो भी बच्चों के कपड़े रहते हैं वो कपड़े गीले रह जाते हैं, बारिश के दिनों में बहुत से ठीक से सूखते नहीं हैं, उसकी वजह से बच्चों को और इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बच्चे के शरीर पर कहीं पर फोड़ा या फुंसी अगर दिखते हैं या नाल की जगह पर अगर कोई इन्फेक्शन दिखता है तो तुरंत उसको स्पिरिट से साफ़ करके वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लगानी चाहिए। तीसरी बात है ना, कभी भी अगर कोई व्यक्ति जिसको बीमारी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों से दूर रहना चाहिए। किसी को अगर सर्दी खांसी हुई है, शरीर में कोई स्किन का इन्फेक्शन हुआ है तो उनको बच्चों से दूर रहना चाहिए। बहुत महत्व की और एक बात है ना, माँ का भी पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छा रहना चाहिए। माँ को रोज़ अच्छे से साफ़ होना चाहिए, माँ के नाखून कटे हुए होने चाहिए, वो एक बहुत ज़रूरी बात है। और एक महत्व की बात बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो ये कि बच्चे को हम लोग जितनी जल्दी स्तनपान कराते हैं तो स्तनपान में माँ के दूध के ज़रिए बच्चे को बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। बहुत सारे तत्व माँ के दूध में होते हैं जो बच्चे को बीमारी से बचाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि स्तनपान यह बच्चे का पहला टीकाकरण है। और इसके सिवा कुछ जो बीमारियों से बचाव के टीकाकरण उपलब्ध होते हैं वो टीके भी समय पर लगाना चाहिए ताकि बच्चे को हम लोग इन्फेक्शन या संक्रमण से बचा सकें। और एक बहुत सामान्यता दिख जाती है एक बात, यानी बहुत बार बच्चों के मुंह में सफ़ेद सफ़ेद जैसे ऐसा ओरल थ्रस जिसको हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से दूध भी नहीं पी पाता है और बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर इस तरह से मुंह में सफ़ेद सफ़ेद दिखता है तो उसे हम ओरल थ्रश कहते हैं। ऐसे वक्त में उसे लगाने वाली जो भी एंटी फंगल लोशन होती है मुँह में लगाने की, वो डॉक्टर की सलाह से लगाना चाहिए और उससे बच्चे को ठीक करना चाहिए। तो संक्षेप में हम ये समझे कि हम लोग जितनी स्वच्छता और सफाई हम लोग उसको अपनाएं उतना बच्चे का बचाव होगा और जितनी जल्दी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध मिले उतना बच्चे के लिए लाभकारी होगा। डॉक्टर संदीप जी, ऐसी कई बार कई चीज़ें होती है कि जैसे आपने उल्लेख किया है कि मंगोलियन स्पॉट जिसको आपने बताया कि जो दिखने में तो बड़े भयानक दिखते लेकिन सामान्य होते हैं, तो ऐसी बहुत सारे और भी लक्षण होते हैं कि जो माता पिता या पालकों के लिए बड़े चिंताजनक होते हैं लेकिन एक्सपर्ट जब उनको देखते हैं बताते हैं इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो ऐसी कुछ कंडीशन के बारे में जिनके बारे में दर्शकों हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें कि कई सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके बारे में बहुत चिंता की ज़रूरत नहीं होती है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनमें डिफ्रेंशिएट कर पाना एकदम से संभव नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि होती तो नॉर्मल है लेकिन पेरेंट्स के या रिश्तेदारों के गलत फहमी की वजह से या गलत तरीके से उसे उपचार करने की वजह से वो बुरी हो सकती है। मैं एक एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। एक, जब भी बच्चे को यहाँ पर नाक या उसके आजू बाजू पर यहाँ पर पीले पीले छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं जिसको मिलिया कहा जाता है, ये एक नॉर्मल सीबेशियस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी होती है जो कि बड़ी हो जाती है, जिसके लिए कोई उपचार की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं कि ये क्या है लेकिन वो बहुत चिंता की बात नहीं होती। उसी तरह से जैसे आपने कहा कि मंगोलियन स्पॉट्स जो कि हरे नीले धब्बे पीठ पर होते हैं वो बहुत चिंता की विषय नहीं होता है, उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल माँ बाप को यह विश्वास दिलाना होता है कि यह कोई चिंता की बात नहीं है, बच्चे का नॉर्मल केयर शुरू रखें। और कुछ बातें जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत बार बच्चे को छाती पर स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम लोग मैस्टाइटिस न्यूनेटोरम कहते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि जो दाइयाँ या मालिश करने वाली लेडीज़ कभी कभी मालिश करती हैं बच्चों की, तो वो इसको निचोड़ने की सलाह देती है, जो कि बहुत गलत है। ये जो भी एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू होता है, जो भी मैस्टाइटिस न्यूनेपुरम होता है, छाती में जो ये स्वेलिंग होता है, उसका कारण ये होता है कि माँ के कुछ हार्मोन्स बच्चे में जाते हैं जिसकी वजह से उसका ब्रेस्ट टिश्यू बड़ा होता है। इसको जब भी ये हार्मोन लेवल कम हो जाती है तो ये एक डेढ़ महीने में या 6 से 8 हफ्ते में ये कम हो जाता है। उसके लिए किसी तरह की भी अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इसको निचोड़ के इसमें से दूध निकाल दिया जाए तो रास्ता खुल जाता है और बैक्टीरिया उस रास्ते के ज़रिए जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। कई बार तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है कि वहाँ पर पीप जमा हो जाता है और चिरा देने की भी नौबत आती है। तो इसीलिए कभी भी इसको ना निचोड़े, इस बात को याद रखना है। और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदार अपने मन से उम्मीद करते हैं कि भाई बुखार का ड्रॉप दे दीजिए, तो ये बहुत गलत बात है। जब भी बच्चे को किसी तरह का अपने को बुखार है या कोई ऐसी शंका होती है कि कोई प्रॉब्लम है, ऐसे वक्त चिकित्सक को दिखाकर सही परामर्श लेना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत बार बच्चों को खासकर अगर वो गर्ल चाइल्ड है, लड़की है, तो उस वक्त उनको पेशाब की जगह से खून आना, यह एक चीज़ होती है। बहुत बार कुछ मदर के हार्मोन्स बच्चे में जाने की वजह से ये इस तरह से खून आता है, जो कुछ दिनों में कम हो जाता है। केवल उस वक्त साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, माँ बाप को अश्योर करना होता है कि ये चिंता की बात नहीं है। कभी कभी पेशाब की जगह पर एक म्यूकोजल स्किन टैग नाम की चीज़ आती है, छोटी सी झिल्ली बाहर आए जैसा दिखता है, वो भी एक नॉर्मल बात होती है, उसके लिए भी बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन कभी भी अगर किसी तरह की शंका मन में हो तो केवल इस बात को नॉर्मल न समझते हुए सही डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, जिन कंडीशंस का, अवस्थाओं का डॉक्टर संदीप जी ने उल्लेख किया है, ये दर्शाती है कि वहाँ पर एक्सपर्ट या उस विशेषज्ञ की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि सामान्य तौर से जो हम देखते हैं तो ये निश्चित तौर से हमारे लिए काफ़ी चिंता की बात होती है। अगर किसी लड़की के योनि मार्ग से पेशाब की जगह से खून आ रहा है, देखने में सुनने में बड़ी भयानक लगती है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वही बता सकते हैं कि नॉर्मल, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, और अपना टाइम, अपनी कालावधि पूर्ण होने वाली अपनी तरफ से पूर्ण ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जी, जिस तरह से आपने बुखार की दवाइयों का जिक्र किया है कि उस तरह किसी ने उसकी मांग नहीं करनी चाहिए, अक्सर करके पालकों की तरफ से एक मांग होती है कि बच्चा मोटा होना चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए, इसके लिए कौन सी दवाई है, क्या सलाह है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर साहब आपने, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और उसके डेप्थ में जाना चाहूँगा। मोटा और तंदुरुस्त, बच्चे ने तंदुरुस्त ज़रूर होना चाहिए और हर बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर तो तंदुरुस्ती क्या चीज़ है? तंदुरुस्ती यानी बच्चे का नियमित वज़न बढ़ना चाहिए, बच्चे की जो डेवलपमेंट हमको हम जिसे कहते हैं वो सही ढंग से उसका विकास होना चाहिए, इसको हम तंदुरुस्ती कहते हैं। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि बच्चा बहुत मोटा होना यानी वो तंदुरुस्ती है, तो बिल्कुल भी नहीं, यह गलत धारणा अपने मन से निकाल दे। बहुत मोटा ज़्यादा होना यह भी एक ओबेसिटी यानी एक बीमारी का लक्षण होता है। अक्सर करके वो विज्ञापन में और बाकी जगह में वो बताते हैं कि बच्चा मोटा था, यार एक धारणा बैठ गई है। एग्जैक्टली, तो ये एक केवल विज्ञापन की बात है कि बहुत मोटा यानी बहुत तंदुरुस्त, ऐसा कतई नहीं है। तो ज़रूरत है यहाँ पर तंदुरुस्ती को समझने की। हर बच्चे का जो वज़न होता है जन्म के बाद 4 से 5 महीने में डबल हो जाता है और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा 2 किलो का हुआ है तो वो 1 साल में 3 गुना यानी 6 किलो के आसपास हो जाएगा, और अगर कोई बच्चा 3 किलो का हुआ है तो वो 9 किलो का हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे के वज़न में फ़र्क रह सकता है और फिर भी वो दोनों बच्चे नॉर्मल और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो हर बच्चे का उस उम्र के साथ एक रेंज दिया हुआ है कि इसके बीच में उस बच्चे का जन्म के वज़न के हिसाब से इस वक्त उनका वज़न उतना होना चाहिए, जो हम हमारे ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करते हैं। अगर बच्चे का वज़न उससे कम है तो वो भी बुरी बात है, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो भी बुरी बात है। मैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को आगाह करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारियों का या अस्थमा की ज़्यादा संभावना होती है अगले कुछ सालों में। इसीलिए ओबेसिटी ये एक आने वाले दिनों में बहुत बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल बच्चा मोटा हो यह अपेक्षा ना रखे, लेकिन अपना बच्चा तंदुरुस्त हो, उसकी सही विकास हो, यह ज़रूर अपेक्षा करनी चाहिए। और एक इसमें एक महत्व की बात मैं बताना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी हमें पेरेंट्स मिलते हैं वो डिमांड करते हैं कि कोई टॉनिक दी जाए, और टॉनिक यानी उनकी उम्मीद होती है कि ऐसी कोई मैजिकल चीज़ कि जो देने से बच्चा एकदम से तंदुरुस्त हो और कभी बीमार नहीं गए। तो याद रखिए, देर इज़ नथिंग लाइक टॉनिक एज सच। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो केवल एक यूनिवर्सल है और सबको दे देने से वो एकदम से अच्छा हो जाता है।
तो जब भी हम कभी किसी बच्चे को अपने बाल रोग चिकित्सक को दिखाते हैं, तब उस बच्चे में अगर किसी चीज़ की कमी है, जैसे किसी बच्चे में अगर आयरन की कमी है, किसी बच्चे में अगर कैल्शियम की कमी है, किसी बच्चे में अगर कोई विटामिन की कमी है, तो वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स उस बच्चे को दिए जाते हैं। वो उसको बहुत से लोग टॉनिक समझ लेते हैं और केवल वो देने से ही बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सही आहार, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, उसकी बराबरी कोई भी दवाई नहीं करेगी। तो बच्चे का सही डाइट होना चाहिए, उसकी सही एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसकी मानसिक तथा फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट बराबर होनी चाहिए। तो दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो डॉक्टर संदीप जी हमसे शेयर कर रहे हैं कि किसी बच्चे का एक समय का वजन ये उसकी तंदुरुस्ती निर्धारित नहीं करता है। एक वर्ष का बच्चा, चाहे उसका वजन 6 किलो हो चाहे उसका वजन 9 किलो हो, तो बच्चे के जन्म के वजन के हिसाब से दोनों बच्चे नॉर्मल है। और इसीलिए संदीप जी ने कहा था कि बच्चे के सामान्य देखभाल में पहली चीज़ उसका जन्म के समय का वजन है, ताकि उसके आगे की ग्रोथ और डेवलपमेंट निर्धारित कर सकें। और इसीलिए सभी पालकों से एक विनती है कि किसी तरह के टॉनिक जो उनकी धारणाओं के अनुसार बच्चों को मोटा करती है या तंदुरुस्त करती है, बिल्कुल गलत है और इसका बहुत आग्रह न करें। एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा नवजात शिशु सुश्रुषा पर डॉक्टर संदीप जी दानखेड़े के साथ जारी है। मित्रों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।